Hi friends, welcome to Create Short Delight Crime Thriller Series Episode Number 3. इस सीरीज में दुनिया का बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसका स्टोरी, उसका टेक्निकलिटीज, कैस्टिंग, ये सब चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसका ऑलरेडी 2 एपिसोड हो चुका है। जिन्होंने हमारा पुराना एपिसोड देखा नहीं, उनके लिए आई बटन में रखा गया लिंक, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और आज आपके सामने डिस्कस करने वाला पिक्चर का नाम है टॉन ब्रिक। ये एक इंग्लिश क्राइम थ्रिलर मूवी है, 2016 में रिलीज हुई। चलो देखते हैं इस मूवी का क्या खासियत। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला मूवी के नाम है डॉन ब्रीथ। इस मूवी का डायरेक्टर का नाम है फेड अल्वरेज। श्वास बंद करके देखने वाला पिक्चर है डॉन ब्रीथ, क्योंकि इसका सस्पेंस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उतना काबिल है। मूवी की शुरुआत में रोकी अलेक्स मणि नाम का 3 यंगस्टर्स को दिखाता है। ये तीनों सर्वाइवल के लिए डिट्रॉयट टाउन में छोटी मोटी चोरी किया करते थे। ये अक्सर उन्हीं घरों का सामान चुराते थे जिसे अलेक्स के पिता का सिक्योरिटी कंपनी द्वारा सिक्योर किया जाते थे, क्योंकि अलेक्स के पास उन्हीं घरों का सिक्योरिटी का सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। मणि चोरी किया हुआ सामान को बेचता है, उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता है। उन्हें अभी लगता है ये छोटे मोटे चोरी करके लाइफ सेटल नहीं हो पाएगा, बड़ा कुछ करना होगा। मणि को एक ऐसा कबर पता चलता है कि इन तीनों के लिए जैकपॉट बन सकता है। मणि इस बात दोनों से डिस्कस करता है। मणि बताता है डिट्रॉयट की आउटस्कर्ट में एक US आर्मी स्पेशल फोर्स का रिटायर्ड वेटरन रहता है, जिसका घर में शायद $300,000 है, वो भी कैश। इस कैश वेटरन को एज सेटलमेंट मिली थी जब किसी जिंदी रॉबर्ट नाम की औरत ने इस ऑफिसर के बेटी को गलती से अपने कार से टक्कर मार दिया था, विच रिजल्टेड स्पॉट डेड। इस बात सुनके पहले अलेक्स मना करता है, फिर फाइनली वो भी मान जाता है। ये तीनों वो रिटायर्ड वेटरन का घर के सामने जासूसी करता है। इस दौरान इन्हें पता लगता है ये वेटरन गल्फ वार का एक हिस्सा था, और इस वार में बॉम्ब धमाका की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इन शॉर्ट, इस रिटायर्ड वेटरन अंधा थे। चोरी की रात ये तीनों वेटरन का घर पहुँचता है और सबसे पहले ब्लाइंड मान की कुत्ता को पॉइसन देता है, क्योंकि ये कुत्ता बहुत ही खतरनाक है। फिर ये तीनों घर के अंदर घुसते हैं और घर के सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल करता है। मणि उस ब्लाइंड मैन के कमरे में स्लीपिंग गैस छोड़ता है ताकि वो अपना नींद से जल्दी नहीं उठा सके। उसके बाद ये तीनों घर पर पैसा खोजना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, ये है मूवी की सस्पेंस। मूवी Amazon Prime में अवेलेबल है और मूवी की टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग एंड कलर करेक्शन सस्पेंस थ्रिल फीलिंग को काफ़ी सपोर्ट करता है। इस मूवी की क्लाइमैक्स ट्विस्ट भी बहुत ही अलग है, जो हमारी नॉर्मल सोच की बाहर है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज में एक है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 out of 10, रोटेन टोमेटो का रेटिंग है 88%। इसका कास्टिंग है स्टीफन लैंग एज द ब्लाइंड मैन, जैनी लेवी एज रोकी, डायलम मैनेटे एज एलेक्स, डैनियल जोवाटो एज मणि। इस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई पिक्चर के बारे में जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि उस पिक्चर के बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।